मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है, भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजवा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवर ग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की भी सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट
और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज बड़ी संख्या में हमारे नौजवान रशिया में पढ़ाई के लिए आते हैं। मुझे बताया गया है कि यहां अलग अलग राज्यों की एसोसिएशन भी है। इससे हर राज्यों के त्योहारों, खान पान, भाषा, बोली, गीत, संगीत की विविधता भी यहां बनी रहती है। आप यहां होली दिवाली से लेकर हर त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस को भी यहां उत्साह और उमंग से मनाया जाता है और मैं आशा करूंगा इस बार 15 अगस्त तो और शानदार होनी चाहिए। पिछले महीने इंटरनेशनल योग डे पर भी हजारों लोगों ने यहां पार्टिसिपेट किया। मुझे एक और बात देखकर और भी अच्छा लगता है, यहां जो हमारे रशियन दोस्त हैं वो भी इन त्योहारों को मनाने के लिए उतने ही जोश से आपके साथ शामिल होते हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट सरकारों के दायरे से बहुत ऊपर होता है और वो एक बहुत बड़ी ताकत भी होता है। और साथियों, इसी पॉजिटिविटी के बीच मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और यूकातेरिनबुर्ग में दो नए काउंसिलेट खोलने का निर्णय लिया गया है।